नमस्कार, विवेक गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको वो सटीक जानकारी देते हैं जो जनरली आपको नहीं मिलती या आप कंफ्यूज रहते हैं, और इसी टॉपिक में आज एक डिटेल वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं। क्योंकि हमारे जो इस साल के भी क्लाइंट्स हैं, ये सवाल ना हर इंसान पूछता है, तो मुझे एक्चुअली लगा कि इतनों को इंडिविजुअली आधे घंटे समझाऊँ, उससे अच्छा है कि एक वीडियो बना दूँ ताकि उन सबको भी शेयर कर लूँ और आप लोग भी सुन लो जो बाहर के हैं। होता क्या है, MBBS कॉलेजेस में ना ये डीम्ड वर्ड को लेके बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो ये होता क्या है, तो पहले मोटा मोटी समझते हैं कि हिंदुस्तान में लेट्स से 350 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो सीधी सी बात है ना, या तो आप एक सरकारी कॉलेज हो, दैट मीन्स सरकारी फ़ीस है लाख रुपए मैक्सिमम साल की फ़ीस होगी, या प्राइवेट कॉलेज हो जिसकी फ़ीस मिनिमम जो हम जानते हैं केरल की 7 लाख से स्टार्ट होगी, जनरली 11-12 लाख होगी और फिर 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख होगी, जो हम एक देसी भाषा में कहेंगे ना सरकारी प्राइवेट। ठीक, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हम समझते हैं। और एग्जांपल, क्योंकि मेरे ज़्यादा श्रोता दिल्ली के आसपास के होते हैं, अपन एक हरियाणा स्टेट पकड़ लेते हैं जिसमें एज ऑफ टुडे गिन के 5-6-8 मतलब ऐसे गिन लेते हैं, क्योंकि MMU ग्रुप के 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए, MMU साधुपुर और MMU मुलाना। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, मतलब कोई लास्ट है कोई बेचारा फंस गया था, दोनों के एड्रेस में ना अम्बाला आता है, तो पुराना रेपुटेड कॉलेज है MMU मुलाना, क्योंकि उसका एड्रेस भी है MMU मुलाना अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला है। और जो नया कॉलेज है 2022 में जिसका पहला बैच था, उसका नाम है MMU साधोपुर अम्बाला, पर लोगों ने कई बार साधोपुर में एडमिशन ये सोच ले कि वो मुलाना में ले रहे हैं, जो पुराना कॉलेज और NIRF रैंकिंग वो ऊपर आता है। एनीवे, ये 2 हो गए एक मैनेजमेंट के, और इसी में आपको बड़ा फनी चीज दिखेगी। फिर हम चलते हैं आदेश मेडिकल कॉलेज, NC मेडिकल कॉलेज, वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, 5 हो गए। फिर आता है SGT मेडिकल कॉलेज गुड़गांवा साइड पे, 6। फिर आता है अपना अलफला 7 जो फरीदाबाद में है, और अमृता फरीदाबाद 8। टोटल हरियाणा में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अब सीधी सी डेफिनेशन ये होती है कि जब भी हिंदुस्तान में आप एक कॉलेज चलाते हो तो आपको डिग्री देनी है बच्चे को, तो ये कॉलेज या तो एक सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा, या किसी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा, या खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, यही तो होगा ना, क्योंकि डिग्री कैन बी गिवन ओनली बाय अ यूनिवर्सिटी। अब किसी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तो एफिलिएट क्यों ही होंगे, तो मोटा मोटी आपको 2 मिलेगा कि या ये कॉलेज किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, या ये खुद की डिग्री दे रहा है। अब इन्हीं 8 कॉलेज को हम फिर से डिवाइड करें, 3 कॉलेज आदेश, NC मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, ये 3 कॉलेज हैं जो पंडित भगवत दयाल शर्मा से एफिलेटेड है, वही यूनिवर्सिटी जिसकी डिग्री आपको मिलती है जब आप PGMS रोहतक से पढ़ते हो, या आप कल्पना चावला से पढ़ते हो, या भगत फूल सिंह से पढ़ते हो, उन कॉलेजों से भी पढ़ते हो तो आपको सेम डिग्री मिलती है। तो हरियाणा में एक सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी, जो पेपर कंडक्ट करती है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उस पेपर का कॉमन पेपर होता है, वही पेपर PGMS रोहतक का बच्चा देता है, वही पेपर कल्पना चावला का पेपर बच्चा देता है, और वही पेपर NC मेडिकल कॉलेज इसराना का पेपर देगा। 3 एग्जैक्टली, SGT मेडिकल कॉलेज अपनी डिग्री अपना पेपर SGT यूनिवर्सिटी, अलफला अपनी डिग्री अपना पेपर, अमृता अपनी डिग्री अपना पेपर, MMU साधोपुर अपनी डिग्री अपना पेपर, MMU मुलाना अपनी डिग्री अपना पेपर। तो 8 में से एक्चुअली 5 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा में। अब इन 5 में से लेकिन क्या होता है कि 3 यूनिवर्सिटी हैं या 3 कॉलेज हैं जिनकी काउंसलिंग आती है हरियाणा स्टेट के अंदर, विच इज़ MMU साधोपुर, अलफला और SGT। तो वो भी टेक्निकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वो काउंसलिंग उनकी हरियाणा स्टेट से कराई जाती है, या जो हरियाणा स्टेट काउंसलिंग जब होगी और वो रूल्स रेगुलेशंस डे टू डे में वो हरियाणा स्टेट को रिपोर्ट करते हैं, या हरियाणा के समझ लो एजुकेशन मिनिस्टर को। वेरस MMU मुलाना और अमृता फरीदाबाद, ये दोनों हो गई डीम्ड होते हुए एक तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनकी रिपोर्टिंग है केंद्र सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर को, और इन दोनों की काउंसलिंग होती है MCC के थ्रू, जो कि एक सेंट्रल बॉडी है जो कि एम्स, जिपमर, BHU और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है। तो इसी तरह जैसे हमने हरियाणा में से MMU मुलाना और अमृता निकाला, पूरे हिंदुस्तान में 51 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बाहर निकलती हैं, जिसमें पंजाब में एक भी नहीं है इस तरह की, राजस्थान में एक भी नहीं है, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है, दिल्ली में एक है एक्चुअली हमदर्द, UP में खाली एक है संतोष, हरियाणा में अब 2 हो गए अमृता आने के बाद, गुजरात में एक है SKBS वडोदरा, मध्य प्रदेश में एक भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं है, बंगाल में एक भी नहीं है, बिहार में एक भी नहीं है, उड़ीसा में 2 आती हैं अपनी फेमस कलिंग और IMS सोम्स, और
आंध्रा में एक्चुअली एक है गीतम, विशाखापट्टनम में जो है, तेलंगाना में एक भी नहीं है। तो अदर देन दिस 3-4 बाकी सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जो इस तरह से हैं वो फॉल करती हैं कर्नाटका, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मैक्सिमम। केरल में भी एक ही है, अमृता कोची। तो अब कन्फ्यूजन क्या आती है, ये जो कॉलेजेस हैं जो कि अपनी डिग्री खुद दे रहे हैं और एमसीसी काउंसलिंग में आती हैं, उनमें हर में फिक्स है 15% एनआरआई सीटें होंगी और उस एनआरआई का रूल अलग है। वो एनआरआई यू हैव टू बी फर्स्ट ब्लड रिलेशन, दैट मीन्स बच्चा खुद एनआरआई हो, बच्चे के माँ बाप एनआरआई हो, माँ बाप के सगे भाई बहन एनआरआई हो, विच मीन्स सगा चाचा, सगा ताऊ, सगी बुआ, मम्मी की तरफ से सगा मामा, सगी मौसी, नाना नानी, दादा दादी, और इन सगे मौसी, सगे मामा या सगे चाचा के बच्चे, इनमें से कोई भी एक एनआरआई हो तो आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आ जाओगे। ये रूल लागू है एमसीसी के द्वारा, यही रूल लागू है हरियाणा स्टेट में। तो जैसे हरियाणा में कन्फ्यूजन नहीं होती, हरियाणा के 8 कॉलेज में अगर आपको एनआरआई सीट चाहिए, क्योंकि हरियाणा के जो आदेश, जो लोकल मतलब 6 कॉलेज हैं, आदेश, एनसी, झज्जर, साधोपुर, एसजीटी, अल्फला, उसमें भी 15% सीट एनआरआई की हैं और मुलाना और अमृता में भी हैं, संतोष, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। तो संतोष में 15% एनआरआई हैं, पूरे यूपी की और जो कॉलेजेस हैं जो कि स्टेट कॉलेज है किसी में भी नहीं है। तो ना ईरा में, ना इंटीग्रल में, ना शारदा में है, ना शिरामूर्ति में है। एकमात्र हिमाचल का प्राइवेट कॉलेज एमएमयू सोलन, उसमें है एनआरआई सीटें और वहाँ पर भी ब्लड रिलेशन चलता है, फर्स्ट ब्लड जो हमने अभी बात की। राजस्थान में कोई ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, जबकि सारे के सारे वहाँ के कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, सारे के सारे, पर सब के सब स्टेट कोटा के अंदर, स्टेट के अंदर आते हैं, कोई भी सेंट्रल एमसीसी के अंदर नहीं आता। जबकि राजस्थान के 9 कॉलेज अपनी डिग्री देते हैं, तो समझिए सब के सब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वो डीम्ड होते हुए भी राजस्थान स्टेट के अंदर आते हैं, एमसीसी वाले डीम्ड में नहीं आते। ये समझा मैं क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल काउंसलर्स आपसे बात करते हैं ना, वो सिर्फ एमसीसी को डीम्ड बोलते हैं और बाकी सबको डीम्ड नहीं बोलते। तो आपको लगता है कि यार जब डीम्ड में सब में चलता है ब्लड रिलेशन, तो फिर ये कर्नाटका में जो एमएस राम्या है वो भी तो डीम्ड है, तो उसमें कैसे एनआरआई का रूल चेंज हो गया? क्योंकि अब कर्नाटका पे आते हैं, सबसे कंफ्यूज करते हैं। तो कर्नाटका में बहुत सारे कॉलेज हैं, 10-11 के करीब हैं, जो कि भाई ऐसे कॉलेजेस हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एमसीसी के अंडर आती हैं। तो फेमस दोनों कस्तूरबा मणिपाल मैंगलोर, उसके बाद श्री सिद्धार्था के दोनों कैंपस, श्री सिद्धार्था तुमकुर, श्री सिद्धार्था टे बेगूर, यन्नपोया मैंगलोर जो फेमस है, उसके बाद के एस हेगड़े, उसके बाद जे एल एन बेलागावी, जे एस एस मैसूर, बी एल डी बीजापुर, और जो इन्हीं का नया कैंपस खुला है जे जी एम एम हुबले, और राजराजेश्वरी बेंगलोर, एस डी यू मेडिकल कॉलेज कोलार, ये सब हो गए जिनमें आपको एनआरआई का रूल फॉलो करना पड़ेगा ब्लड रिलेशन वाला। पर इसके अलावा जो कर्नाटका स्टेट के अंदर 32 कॉलेज हैं जिनमें कुछ डीम यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं भाई, चाहे वो राम्या हो, चाहे विदेही हो, अभी मैं कॉलेज के नाम ले रहा हूँ, फादर मुलर, आपका कैंपे गौड़ा, बी जी एस, अम्बेडकर, आकाश, ईस्ट वेस्ट पॉइंट, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, ये सब फॉलो करते हैं कर्नाटका स्टेट के रूल। अब कर्नाटका, मध्य प्रदेश दो स्टेट्स हैं जो गार्जियन एनआरआई अलाउ करते हैं कि आपका सगा ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन एक गार्जियन है जो आपका अंकल है तो वो अलाउ करते हैं। तो वही अगर आपका रियल ब्लड रिलेशन नहीं है तो के एस हेगड़े, कस्तूरबास, जे एस एस में आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन वही आप कैंपे गौड़ा, विदेही, राम्या में हो जाओगे। समझे बात को? मध्य प्रदेश में कन्फ्यूजन नहीं होती क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई वो वाली डीम्ड यूनिवर्सिटी है ही नहीं, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं सब मध्य प्रदेश सरकार के अंदर आते हैं, सब में एनआरआई सीट हैं और सबके सब में गार्जियन एनआरआई चल जाता है। बात क्लियर हुई? तो ये एक फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे वीडियो सुनकर ही आप में से कई लोग बेचारे कहते हैं सर आप ही ने कहा था कर्नाटका स्टेट में चल जाता, तो हमने किसी काउंसलर से बात कर ली जे एस एस मैसूर के लिए, पर वो फ़र्क था ना। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, लोग ही मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आपकी बात मानकर ही हमने ऐसा करा, और हमने आपका वीडियो देखा था, तो मैंने जो वीडियो देखा था मुझसे, तो काम हमसे क्यों नहीं कराया, काम किसी और काउंसलर से क्यों कराया, कि सर आप मिलने के 5,000 मांगते हो ना, वो फ्री में मिल रहे थे, तो वो फ्री में मिले, फिर उनको 5 लाख रुपये दे दिए, वो तुम्हारे 5 लाख खा गए, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बट हम जो मिलने की या बात करने की फ़ीस लेते हैं हमको नहीं देना चाहते, क्योंकि हम फ्री में बात नहीं करते। वो खैर आपकी चॉइस है, बट संभाल के चलिएगा, ध्यान से चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा,
आप ही की हेल्प होगी, और हमसे काम कराना चाहें यू नो द प्रोसेस नाउ 9643362320 नंबर है हमारा मीटिंग फिक्सअप करने के लिए, चाहे फ़ोन की मीटिंग हो चाहे मिलने की मीटिंग हो। फ़ोन की मीटिंग के 2500 रुपये होते हैं, मिलने के 5000 रुपये होते हैं। पर्पज़ सिर्फ ये है कि फ़ोन अक्सर 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाता है, जो भी मिलने आता है मेरे पास वो कभी भी 1-1.5 घंटे से पहले उठता नहीं है, इसलिए वो कॉस्ट अलग रखी हुई है। और फिर जो भी हमारे पैकेजेस हैं, जो भी अगर लेते हैं तो ये कॉस्ट उसमें एडजस्ट हो जाती है। फीस चार हमारे बड़े सिंपल पैकेज हैं, 30,000, 50,000, 75,000, 1.5 लाख। 30,000 रुपये अगर आपकी सरकारी सीट आने वाली है या आप अपने होम स्टेट की प्राइवेट सीट लेना चाहते हो, मतलब एक स्टेट की, 50,000 होते हैं जब आप 3 से 4 स्टेट की काउंसलिंग करवाना चाहते हो, 75,000 रुपये जब 7, 8, 9 प्राइवेट स्टेट्स की काउंसलिंग कराना चाहते हो। सरकारी में तो आप 2 में एलिजिबल हो ना, होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा, ये भी ध्यान रखिए। और 1.5 लाख फीस अक्सर उससे लेते हैं जिसको बस एक अच्छी सीट चाहिए, NRI भी चलेगा, मैनेजमेंट भी चलेगा। अक्सर ये बच्चे बोलते हैं नंबर कम आ गए हैं और मेहनत ज़्यादा करवानी है हमसे, तो चाहे अगर आप हमारे भाई NRI कोऑर्डिनेशन हमसे कराना चाहें, राजस्थान की मैनेजमेंट सिटी कोऑर्डिनेशन कराना चाहें, या उस तरह से हम आपकी हेल्प करते हैं, तो आप 1.5 लाख वाले ब्रैकेट में आ जाते हो। बहुत सिंपल हमारा पैकेजेस है, ठीक है। और इस पैकेजेस का डिटेल का वीडियो भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और आई होप कि ये क्लियर हो गया वीडियो आपको, और यही मैं अपने सारे क्लाइंट्स को भी भेजने वाला हूँ, क्योंकि उनको ये कन्फ्यूजन रहती है, सर KS हेगड़े का रूल अलग क्यों है और कैंपे गोड़ा का रूल अलग क्यों है। सेम महाराष्ट्र में चलता है कि KJ सोमैया और तरना मेडिकल कॉलेज, एक्चुअली महाराष्ट्र में IQ कोटा है ना, जो महंगी फीस है, तो वहाँ दिक्कत होती नहीं है। और कर्नाटका में भी IQ कोटा है, तो बड़ी बारीक चीज़ें हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही काउंसलर को चुनें जो ईमानदार हो और जो खुश हो आपसे 30, 50 और 75,000 रुपये ही कमा के। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जब ये कोऑर्डिनेशन होता है, अगर किसी को हमारे साथ, ऑलरेडी मैंने बताया कि वी हैव मोर देन नाउ 58 क्लाइंट्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड, वी डोंट टेक मोर देन 100 क्लाइंट्स, तो उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी से पता है कि भाई नंबर हमारे 250 पार नहीं होने वाले, बच्चे ने पूरा जोर मार लिया और तो हफ्ता ही बचा है पेपर में, तो दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड बुकिंग फॉर दी मध्य प्रदेश सीट और दी कर्नाटका सीट, तो उसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो तो आप कॉलेज को ही डायरेक्टली मोस्टली देते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।